बड़ा माफिया बनना है, जाने कौन है अतीक अशरफ के कातिल सनी, लवलेश और अरुण। मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते वक्त शनिवार रात अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पुलिस के सामने ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। यह बात सामने आई है कि तीनों आरोपी यूपी के तीनों अलग अलग जिलों से ताल्लुक रखते हैं। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की सनसनीखेज हत्या के बाद यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। योगी सरकार ने इस हत्याकांड के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। अतीक और अशरफ पर गोली चलाने वाले तीनों आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि आरोपियों पर पहले कहां कहां और किस तरह के मामले दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपी बता रहे हैं कि वो बड़ा माफिया बनना चाहते थे, इसीलिए वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने बताया कि कब तक छोटे मोटे शूटर बने रहेंगे, बड़ा माफिया बनना है इसीलिए हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस अभी भी पूरी तरह से बयानों पर भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि तीनों के बयानों में विरोधाभास है और पूछताछ जारी है। अब तक की पूछताछ में पता चला है कि अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है, जबकि अरुण मौर्य हमीरपुर का निवासी है। वहीं तीसरा आरोपी कासगंज जनपद जिले से है। ये तीनों छटे हुए गुंडे थे, साथ ही तीनों शार्प शूटर भी थे। तीनों का पुराना ही आपराधिक बैकग्राउंड भी है। सबसे बड़ी बात, तीनों ने अतीक अशरफ को मारने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए, खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को अंजाम देने वाले तीनों हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों अपराधियों में से एक अपराधी अरुण उर्फ कालिया कासगंज का रहने वाला है। आरोपी अरुण मौर्य कासगंज में सोरो थाना क्षेत्र के गांव बघेला पुख्ता का रहने वाला है। अरुण के पिता का नाम हीरालाल बताया जा रहा है। वह 6 साल से अरुण उर्फ कालिया बाहर रह रहा था। जीआरपी थाने के पुलिसकर्मी की हत्या के बाद अरुण फरार हुआ था। 15 साल पूर्व अरुण के माता पिता की भी मौत हो गई थी। वहीं दूसरा शूटर सनी सिंह हमीरपुर का रहने वाला है। उसके भाई पिंटू सिंह ने बताया कि वह कोई काम नहीं करता था, उसके ऊपर पहले से भी मामले दर्ज हैं। हम लोग 3 भाई थे जिसमें एक की मौत हो चुकी है। सनी ऐसे ही घूमता फिरता रहता था, फालतू के काम किया करता था। हम उससे अलग रहते हैं, वह क्या काम करता था क्या नहीं हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। वो बचपन में ही घर से भाग गया था। वहीं अतीक अशरफ हत्याकांड को अंजाम देने वाले तीसरे आरोपी लवलेश के पिता का बड़ा बयान सामने आया है। लवलेश के पिता ने कहा कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लवलेश कभी कभार घर आता था, 5-6 दिन पहले भी घर आया था। उससे हम लोगों की अधिक बात नहीं होती थी। पिता ने कहा कि वह एक नशेड़ी था, कोई काम नहीं करता था। लवलेश 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर है। लवलेश के अतीक हत्याकांड में शामिल होने की जानकारी पिता को टीवी के जरिए मिली। लवलेश के पिता ने कहा कि घटना ने उन्हें परेशान कर दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें तो उसके बारे में पता ही नहीं था, टीवी पर खबर चली तो पता चला कि उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। लवलेश तिवारी के पिता ने कहा कि उसने इंटर की पढ़ाई पास की है। लवलेश पहले भी एक मामले में जेल जा चुका है, करीब 1.5 साल तक जेल में वह रहा था। खैर, अब यह बात तो साफ हो चुकी है कि तीनों आरोपी आपराधी प्रवृत्ति के थे और इनके पीछे किसी न किसी बड़े गैंग या बड़े नेता का हाथ जरूर रहा होगा। लेकिन जो भी हुआ उससे एक बात साफ जरूर हो जाती है कि यूपी में कानून का खौफ सिर्फ दिखावा है, इसको कहां और कब मारना है वो होकर रहता है। अपराध को यूपी की योगी सरकार सिर्फ प्रचारों और टीवी विज्ञापनों में ही रोक पाई है। अपराधी तो कारों में हूटर बजाकर मस्ती से सड़क पर निकलते हैं, डर और दर्द में तो आम पब्लिक रहती है। धन्यवाद। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम